क्या किसी ने देवा को कभी देखा है? तुमने देखा है? कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है, कहां रहता है। वो तुम्हारा सगा बेटा भी नहीं है। शहर छोड़े उसे 10 साल हो गए और वो हमें कंट्रोल कर रहा है। मैं एक ऑफर देता हूं, अपने सगे बेटे को पावर दो। 10% नहीं, 20% दूंगा। खत्म भाषण। प्रॉब्लम परसेंटेज को लेकर नहीं, प्रॉब्लम काम को लेकर है। देवा ये सब नहीं मानेगा। जाओ यहां से। ठीक है, देवा को बुलाओ, मैं बात करूंगा। देवा तुम्हारे लिए यहां आएगा। तुम अभी भी बच्चे हो लल्ला, जाओ अपना गल्ला संभालो। क्या करना होगा उसे लाने के लिए? तुम्हारे मरने पर तो आएगा ना। देवा इसके जैसा नहीं है, उसका कहर झेल नहीं पाएगा। सिगरेट और देवा से नजदीकी दोनों ही सेहत हानिकारक है। देवा आएगा। डॉक्टर है सर यहाँ पर? यहाँ कोई डॉक्टर है? यहाँ कोई डॉक्टर है? मौसी जी यहाँ कोई डॉक्टर है? मेरे बेबी को लेबर पेन हुआ है, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? पेशेंट कहाँ है? रेड कार। डोंट वरी, लेट जाओ, मैं डॉक्टर हूँ। डोंट वरी, आई टेक केयर। ओके, लेट जाओ, पुश करो, पुश जोर से। सर, ये वाली गाड़ी है। महालक्ष्मी का जन्म हुआ है। अब तक टीवी देख रहा है? चल बंद कर, बंद कर, बंद कर, बोलो ना। हेलो भाभी। ए मां, चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे तुम, मुझे लगा चिंटू का ऑटो ड्राइवर है। आप ठीक हो ना भाभी? इस घर में ये सवाल पूछना बहुत बड़ा पाप है। चलो चिंटू, चलो। आज स्कूल की छुट्टी है, मैं चाचू के साथ खेलूंगा। हाँ, तुझे तो बस स्कूल ना जाने का बहाना चाहिए। बैठ यहाँ, स्कूल जाकर पढ़ाई करेगा तो अपने चाचू जैसा एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, समझा? वरना तुझे भी अपने बाप की तरह मेडिकल शॉप खोल के बैठना पड़ेगा। भाभी मैं एमएस गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। अच्छा, चाचू मुझे बुखार है। ओहो, बहाने बंद कर, बैठ जा चुपचाप। देखो चाचू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये खिलौना, इसके साथ तो बचपन में खेलता था। मुझे गन चाहिए चाचू। पहले महीने की सैलरी आने दे, गन ला के दूंगा। ओके। भैया कहाँ है भाभी? भैया। अरे दास, तू कब आया रे? अभी अंदर आ। तू तो सुबह जल्दी आने वाला था। मैं तुझे फोन करता लेकिन तेरे पास तो फोन ही नहीं। फोन में रेडिएशन है, आई कांट यूज। लेकिन देर कैसे हो गई? लूज मोशन के लिए दवाई मांगी थी, तुमने ऑइंटमेंट दे दिया मगर इसको लगाने से आराम नहीं हुआ। लूज मोशन के लिए ऑइंटमेंट दिया था? अरे गलती हो गई, जल्दबाजी में दे दिया था, पता नहीं कहाँ लगाया होगा। अच्छा ठीक है, मैं टैबलेट्स दे देता हूँ, इसे सोने से पहले खा लेना।
ये लो इसको, तुम रख लो। इसी वजह से तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करके गांव से भगाया था। इतनी दूर आकर तुमने फिर से मेडिकल शॉप खोला, कुछ और नहीं कर सकते क्या? अरे ये हमारा फैमिली बिजनेस है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब क्या कहूं, फ्यूचर की बात मत करो, बस मुर्दे उठा करो। रुक 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 रुक, पहले मेरी बात तो सुन ले। तू यहीं कहीं किसी क्लिनिक में डॉक्टर की नौकरी कर ले, बगल में मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, दोनों भाई की दुकान आसपास होगी, फिर तू अपने पेशेंट्स मुझे भेजते रहना, दोनों भाई सेट हो जाएंगे, है ना? क्लिनिक में? हाँ, हॉस्पिटल में। कल सुबह ही मेरी एक जगह ज्वाइनिंग है, अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। हेलो हेलो, जोर से दबाने से लिफ्ट जल्दी नहीं आएगी, फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये स्टाफ की लिफ्ट है, पेशेंट की लिफ्ट उधर है। नो नो, आई एम अ डॉक्टर, न्यू जॉइनी, डॉक्टर दास, एम एस जनरल सर्जन। ओ, मैं हूँ डॉक्टर कुचिपुड़ी, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। ये लिफ्ट 5 मिनट से 5वें फ्लोर पर ही है। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे से वहीं पे है और मैं यहाँ पर। लाइफ सक्स। तो फिर पेशेंट की लिफ्ट में चलते हैं, एज पर द रूल हमें। अरे चलिए ना। रुको रुको। रोबोटिक सर्जरी, जिस देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वहाँ हर 921 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। 10 साल बाद इस देश में 20 लाख डॉक्टरों की जरूरत होगी। डॉक्टर भारद्वाज। और इस कमी को पूरा करेंगे रोबोट्स। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस Medimax इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी ऑन कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस इन इंडिया। थैंक यू। वाओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपने जो कहा उसमें कुछ गलतियां हैं। हार्ट की रोबोटिक सर्जरी पहले भी इंडिया में हो चुकी है सर, 8 मंथ्स बैक अहमदाबाद में, वहीं पहले लॉन्च हुआ था। Yeah, I think I forgot that. That's right. What I mean to say is, first time we are launching in Hyderabad. Yeah. Sister, दरअसल ये भी गलत है। क्या कर रहे हो, ये गेम शो नहीं जहाँ गलतियाँ बताकर प्राइज जीतेंगे, पंगा मत लो, बैठ जाओ। मैं तो बस बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स नहीं है, प्रेस मीट है। ये सारे प्रेस वाले हैं। डॉक्टर दास, यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो सर। दास, यहाँ 100 से ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। अगर तुम्हारे स्कूल में कॉमन सेंस का सब्जेक्ट होता तो तुम उसमें जरूर फेल हो जाते। सॉरी सर, पता नहीं था वो प्रेस मीट थी। मिस्टर दास, वी आर डॉक्टर्स, बिना डायग्नोस किए बीमारी को कन्फर्म मत करो। और प्रेस मीट में जुबान बंद रखो। दोबारा नहीं होगा सर। उम्मीद है अपना काम सिंसियरली करोगे। योर अपॉइंटमेंट, यू कैन ज्वाइन टुमारो। नहीं सर, मैं तो आज ही ज्वाइन करूंगा। एज यू विश, ब्लॉक सी। थैंक यू सर। सी ब्लॉक, सी ब्लॉक, सी ब्लॉक। व्हाट हैपेंड? शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। करने के बाद भी गरम दूध पी लिया, के साथ सुपारी भी खा लिया, और देखते देखते कुल्फी की तरह जम गया। ये लो पकड़ो। क्या हो गया डॉक्टर साहब? ये यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी स्टेथोस्कोप लाओ और टेबल रेडी करो, जाओ। स्टेथोस्कोप क्यों? जो कहा वो करो, कोई पैरों को रब करो प्लीज। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड में जान भी जा सकती है। अरे सुन तो लो। अच्छा वो डॉक्टर आप आ गए। व्हाट हैपेंड? स्कूप दीजिए प्लीज, वन सेकंड। क्या कर रहा है ये? I'm sorry auntie, we are too late, he's no more. चुप रहो तुम, ये तो मरे हुए 3 घंटे हो गए और तुम बोल रहे हो अभी मरे हैं। कैसे डॉक्टर हो तुम बेवकूफ? मरे हुए 3 घंटे हो गए? तो जब जिंदा थे तब लाना चाहिए ना, मरने के बाद मॉर्चुरी जाओ। सर मॉर्चुरी में तो आए हैं। ये मॉर्चुरी नहीं है, सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक ही मॉर्चुरी है। ये मॉर्चुरी है? नो, कैसा रहा दिन? लगता है आज ऑपरेशन की लाइन लग गई, उसी के बारे में सोच रहा है क्यों? इतना आसान नहीं है। कितने पेशेंट्स को देखा है? पता नहीं, शायद 40 होंगे। अरे बाप रे, इतने सारे? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पर कोई मुंह खोल के बात नहीं करता, बस यही एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे लिए भी रोटी लाती हूँ। भैया मूड ठीक नहीं है, मैं जरा बीच पर जाके आता हूँ। अरे सुन, किनारे पे ही रहना, पानी में मत जाना। अपने शहर में बीच है ही कहाँ? ऐसा है क्या? मुझे लगा हमारा घर सी फेसिंग है। अच्छा सुन, किसी पार्क में चले जाना, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। इतनी रात को क्या जरूरत है? मर्दों को काम का प्रेशर बहुत होता है, मुझे भी लगता है कभी कभी हिमालय चला जाऊं।
बैग पैक कर दूं? या बैकग्राउंड ठीक है सर। सर 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 शूट चल रहा है, आप फ्रेम में थोड़ा प्लीज साइड हो जाइए प्लीज सर, डोंट माइंड सर। लाइट्स ऑन। ओके बैकग्राउंड रेडी, साउंड, कैमरा रोलिंग, एक्शन। Guys, don't shoot. Okay, sir. Catch him. Okay. Guys, don't shoot him. Okay, sir. Let's catch him. Okay, sir. He should not run away. Okay, sir. सुना है देवा शहर में आ रहा है? बता कबर कैसे? सर, अपन को कुछ नहीं मालूम। धन देना जरा। अपन को जान दो सर। तू बताएगा या नहीं? अपन को कुछ नहीं मालूम साहब। रिपोर्ट में क्या लिखना है तुम जानते हो। नेक्स्ट टाइम मुझे ना में नहीं हाँ में जवाब चाहिए, समझे? सर, एज पर योर ऑर्डर हमने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे सारी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, वो बचकर नहीं जा सकता। गली का गुंडा लगा तुम्हें वो, जिसे आसानी से पकड़ लोगे। सिर्फ कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल नहीं है देवा, वो एक शातिर इंसान भी है। आने दो से, देखते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। ग्रीन टी, ब्रांडी या रम है तो वो भी लेकर आ। साथ में चकना भी लाना होगा। आई एम साइकियाट्रिस्ट, वी बोथ आर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल मिस्टर दास। पहली बार आया तो मंदिर वाली फीलिंग आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि स्मशान में बैठा हूँ। मॉर्चरी में काम करके बचपन में दादाजी की सुनाई हरिश्चंद्र की कविताएं याद आती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा तो तुम क्यों नहीं करते वहाँ ड्यूटी? डॉक्टर कुचिपुड़ी, प्लीज कम मिस्टर मूर्ति, ग्रीन टी पियो। मेरी बीवी और उसके भाई को एयरपोर्ट छोड़ना है, अगर कैब बुक करूंगा तो उसका भाई बुरा मान जाएगा और वो मुझे डिवोर्स दे देगा। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। आज आई सी यू नाइट ड्यूटी तुम संभालो ना प्लीज, सिर्फ एक आदमी तो बात है। मेरी जॉब जा सकती है, मैं करूंगा आईसीयू में ड्यूटी। Are you sure? हाँ बिल्कुल, शाम को 6 बजे आईसीयू में आ जाना। 5:30 को ही आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सर। सी मिस्टर दास, इट्स नॉट हाउ ग्रीन टी। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द पेशेंट? सीवियर सीजर सर, सुबह ही ऑपरेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा है। जल्दी पेशेंट को ऑक्सीजन लगाओ और 2 mg फ्लोरसिपैम दो, बीपी लो हो रहा है। 1 liter of normal saline bolus. Reports card. What? Operation के बाद ये prescription follow कर रहे हो? भारतवर्ष सर ने prescribe किया था सर, डॉक्टर मूर्ति भी यही follow करते हैं। सर्जरी के बाद डोज कम करना था, तुमने हाई डोज दिया इसलिए ये ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अब जल्दी जाकर ये इंजेक्शन और दवाइयाँ लेकर आओ, गो फास्ट। सर, प्रिस्क्रिप्शन बदलने के लिए भारद्वाज सर का परमिशन चाहिए होगा। आई एम द ड्यूटी डॉक्टर, पेशेंट को कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। गो इमीडिएटली एंड डू इट क्विक। इट्स ओके। क्या हुआ सिस्टर? अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है सर, एक बार भारद्वाज जाओ, डिफिब्रिलेटर तैयार करो। सर बीपी गिर रहा है सर, रीडिंग लो हो रही है। डर गई थी ना, तुमने टीका लगाया था ना, तो पापा आप ठीक हो जाएंगे। He is out of danger now. Thank you, doctor. जिंदगी में ऐसा ही एक पल चाहिए कि डॉक्टर होने पर खुद को गर्व हो। इस धरती पर जान बचाने की ताकत सिर्फ भगवान के पास होती है या डॉक्टर के पास। देवा, Thank you.
yourself. How dare you change my patient's medication? डॉक्टर मूर्ति, पेशेंट को कुछ हुआ क्या? नहीं डॉक्टर, वो तो ठीक है. Shut up, मूर्ति, shut up. And you, Mr. Das. Sir. चार दिन नहीं हुए तुम्हें हॉस्पिटल ज्वाइन किया और तुम इतने बड़े हो गए कि सीनियर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन चेंज करने लगे. उस वक्त मुझे कोई बड़ा या छोटा नहीं लगा सर, पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी सर. Shut up. तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से जानते हो डिसमिसल पेपर पे क्या लिखा है? बैड कंडक्ट एंड वेरी हार्मफुल फॉर पेशेंट्स केयर. इसी वक्त मैं मेडिकल काउंसिल से रिपोर्ट करता हूं. प्लीज 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 सर, मेरा करियर स्पॉइल हो जाएगा. जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट नाउ. बस एक चांस, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस परमानेंटली सीज करवा दूंगा. दुख हो रहा है? डर लग रहा है. डर लग रहा है? बस हल्की बूंदे हैं. जानते नहीं हो, जो बिजनेस करता है वो कभी नहीं डरता. भाई, नारायण सेठ जैसे पावरफुल आदमी को 500 सिक्योरिटी के बीच में ठोक डाला. अगर उसे पता चल गया कि हम सब मिले हुए हैं तो. सो लेट्स किल हिम. हाँ, मार देते हैं. देवा कहाँ है? थैंक यू जिमी. वेलकम सर. तुमने नारायण सेठ को क्यों मारा? तुम हमेशा मिठाई लेकर आते हो, आज क्यों नहीं लाए? मिठाई? मुझे लगा तुम्हें दादा की मौत का दुख होगा. सबका अपना तरीका होता है दुख एक्सप्रेस करने का. तुम मिठाई लिए बिना आए हो, ये तुम्हारा तरीका है, और मैंने नारायण को ऊपर पहुंचा दिया, ये मेरा तरीका है. आखिरी बार दादा को देख तो लेते देवा. मैं उसका सगा बेटा नहीं हूँ, मुंह बोला बेटा हूँ, इसीलिए नहीं गया. अजय कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता? पब में दारू पी करके लड़कियों के साथ पड़ा होगा, ये उसका तरीका है. मजा नहीं आया. यहां बढ़िया फिश फ्राई कहां मिलता है? फिश? अजय को वहीं बुला लो, उसे मत बताना मैं आ रहा हूं. देव, ये क्या है? वहीं पैसा दे रहा. पैंट का 200, शर्ट का 400, जैकेट का 500, और पैंट अल्टरनेशन का 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा. हाँ, वो मोहन भाई आप हो? आपके मेडिकल शॉप की तो निकल पड़ी, सुना है कोई डॉक्टर आने वाला है. तुम जानते हो कि वो डॉक्टर कौन? अरे कौन जानते है उसे, और फिर भी यहाँ पर आकर अपनी लाइफ पर बात कर रहा है. अरे ये तो ऐसे बौखला रहा है जैसे कि यही डॉक्टर है. वो डॉक्टर यही है. सर, सॉरी सर, सर मेरा नाम जैकेट है. नहीं नहीं, जैकी. कंपाउंडर के साथ टेलरिंग का भी काम करता हूँ. सर वेलकम टू हॉस्पिटल, मेरे पास शॉल और जैकेट नहीं, इसलिए इसको पहन लो. ये क्या कर रहे हो? यहाँ कपड़े क्यों सिल रहे हो? दोनों में फर्क क्या है सर? कंपाउंडर सुई और दवाइयाँ देता है और टेलर सुई में धागा डालता है. ये घटिया एग्जाम्पल बहुत घटिया था. अंदर कुछ चल रहा है? कुछ नहीं सर, वो अंदर फूंक रहे ना. मतलब सिगरेट. वो सब जाने दो सर, आप वहां मत जाना. पसीना क्यों आ रहा है? कोई पसीना नहीं सर. अंदर कौन है? सर सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर 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 वहां मत जाइए सर, वो अच्छे लोग नहीं है, वो एरिया के खतरनाक गुंडे हैं सर, आप मेरी बात समझिए. चलो सामने से हट हट. क्या भेजा के कौन है? तेरा रिश्तेदार? क्या है ये सब? This is Desi Thara. 62% alcohol, 18% GST and full credit payment. Hello,
यू शुडंट स्मोक इनसाइड, गेट आउट। क्या भग रहा है रे? यहाँ सिगरेट पीना मना, चुपचाप निकल लो। कौन है बे तो जो दुर्गा भाई को बाहर निकलने के लिए बोल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर दास एमबीबीएस एंड गोल्ड मेडलिस्ट। ये तेरा हॉस्पिटल नहीं है, ये आपका दुर्गा भाई का अड्डा है। अबे ज्यादा शाना बनने की कोशिश करेगा ना तो यहीं ठोक दूंगा, खड़े रहने के भी काबिल नहीं रहेगा। चलो रे, हमें ना उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। हम अपना काम करते, वो अपना काम करते, मेरी दुकान भी तो बगल में ही है, मेरी मशीन भी यहीं पर है। राजन, सबसे बढ़िया फिश फ्राई यहीं मिलती है। लक्ष्मी, एक मसाला फिश फ्राई खिला दो। मसाला फिश फ्राई नहीं है, सादा फिश फ्राई मिलेगा। लगता है मुझे पहचाना नहीं। तू क्या अमिताभ बच्चन है जो तुझे देखकर पहचान लूंगी? जा वहां जाकर बैठ, लेकर आती हूँ। ये शहर बहुत बदल गया है राजन। 10 साल बाद आए हो इसलिए ऐसा लग रहा है। अजय आ गया। तुम्हें क्या ये जगह मिली थी मीटिंग करने के लिए? यहां पर किसी को शक नहीं होगा। सर, अजय यहां किसी से बात कर रहा है। नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। किसने मारा? मुझे क्या पूछ रहे हो? मुझे क्या सपना आया था क्या? वो गोली मारने वाले? जब गोली मारी गई तब तुम वहीं पर थे ना? मैं क्या, पूरा सिंडिकेट वहीं था। सिंडिकेट मतलब? क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता क्या? सब एक साथ मिल चुके हैं, उन्होंने सिंडिकेट बना लिया है। मैं और नहीं बता सकता, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोलना है बोलो। खबर मिली है कि देवा शहर में आ चुका है। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस लिए? देवा को मारने के लिए। जानता भी है तू क्या बक रहा है? देवा को क्यों मारना है तुझे? ए, क्या है? पानी खराब हो गया। ले ले। लक्ष्मी, एक मस्त मसाला फिश फ्राई। तुम्हें क्या लगा मैं भूल गई? बहुत दिन हो गए तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, इसलिए याद नहीं आया। तुम देवा हो ना? देवा यही है सर। क्या? देवा, मैं आ रहा हूँ, जल्दी चलो, जल्दी। कैसे हो तुम? झकास बोले तो। किस प्लान की बात कर रहा है तू? देवा, पुलिस। यहाँ डॉक्टर कौन है? मैं, आई एम द डॉक्टर। हे, देखता क्या है, इधर आ। बहुत खून बह चुका है। जैकी, ओके सर, ओके ओके। किसी ने गोली मार दी? शहर में क्रिमिनल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नजदीक में पुलिस स्टेशन है, अभी जाकर इन्फॉर्म करता हूँ। नो पुलिस। ओके। हे, ये क्या है? एनेस्थीसिया, इससे दर्द बिल्कुल नहीं होगा। अरे वो सब छोड़, गोली निकाल। अरे तुम्हें दर्द होगा इसलिए एनेस्थीसिया जरूरी है। और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा।
गणपति बापा की कसम मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया। चल जल्दी गोली निकाल। अच्छा फिर कहना नहीं मैंने वार्न नहीं किया था। It's okay. इस क्लिनिक की हालत खराब है। एक काम करते हैं, पास में ही एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। सच में डॉक्टर ही है ना? MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, तो हाथ से निकाल। कांटा नहीं कि हाथ से निकालू। ठीक है निकालता हूँ। It's okay. बस दो मिनट दो, मैं स्टिच कर देता हूँ। दो मिनट। तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? लगता है वो लोग आ गए। जा चेक कर। जा। ओके। यहाँ पर प्रेशर बनाए रखना। इतनी देर क्यों लगाई? अरे तुम। यहाँ और कौन आएगा? लगता है बारिश होने वाली। चलिए घर चलते। मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। यहाँ कौन सा काम है सर? चलिए। कुछ छुपा रहे हो क्या? कुछ नहीं। क्या बात है सर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, तुम जाओ ना। देखा बिजली भी चली गई। एक बार कहा ना। जाओ चलो, जाओ यहाँ, चलो जाओ। कैंडल ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। तुम एक काम करो, सो जाओ, मैं स्टिच कर देता हूँ। पहले से ही खून बहुत ज्यादा बह चुका है, अगर देर हो गई तो खतरा हो सकता है। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? वो वहां पर। हाँ। चार दिन आराम कर लेना, क्योंकि एंटीबायोटिक का हाई डोज दिया है तो। क्या कहा? वो यहां क्यों आया था? छाती में गोली लगी थी फिर भी। विक्रम सर, यहाँ 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं चेक करो। सर पिछले 15 घंटों में जो भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। डू इट नाउ। श्योर सर, आई विल गेट इट सर। थैंक्स मिशेल। यू वेलकम। डेविड, कल रात देवा आया था जैसे मिलने, पुलिस शूट आउट भी हुआ और उन्होंने उसका पीछा भी किया। ओ, शूट किया उसे? हाँ। वो बच गया क्या? पता नहीं। देवा 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 रन देवा देवा देवा। कल रात कहां थे? जवाब दो देवा। जो मेहनत से बनाया था वो तबाह हो गया। मैं इन पत्तों की बात नहीं कर रहा हूं देवा। पत्तों की नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। मेरी पीठ पीछे सिंडिकेट बना लिया, दादा को मारकर मुझे यहां आने पर मजबूर किया, मेरे सीने पर गोली चला दी। ये सारा कसूर अजय का है, दादा को मार दिया इसलिए उनसे डरा हुआ है। राजन, सिंडिकेट के हर एक मेंबर का नाम मुझे चाहिए, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और उस अजय को तो। देवा, are you okay? I'm okay. I just want अजय. Go. सर, आप इस गैंग वॉर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? God sake, it's not a gang war. It's just a street fight. Next question. डैडी, डैडी मुझे एक गन खरीद के दो ना, एक बड़ी सी मशीन गन। hey,
तू स्कूल पढ़ने जाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए? चल बैठ। सर सुना है कि देवा शहर में और उसे गोली लग गई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन सा चैनल? टीवी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन देवा को शहर छोड़े 10 साल हो गए, वो जिंदा है या मर गया हमें नहीं पता। हर एक न्यूज को देवा के साथ कनेक्ट, हर एक चैनल में सिर्फ देवा की ही न्यूज चल रही है, इसीलिए तो ब्रेकिंग न्यूज है। वो कोई गली का गुंडा नहीं है, डॉनों का डॉन है। शहर में बढ़ते वायलेंस को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? पतंग उड़ा रही है। सर देवा शहर में ही था, ये बात पुलिस ने जनता से क्यों छुपाई? दैट्स ऑल फॉर नाउ। सर आपको इस बारे में जनता को बताना चाहिए। चाचू मुझे एक बड़ा सा मशीन गन चाहिए, प्लीज लेकर दो ना। दे दूंगा, साथ में बुलेट भी, प्रॉमिस। बुलेट प्लीज चाचू, क्लिनिक बुलेट चाचू। अरे अरे दास, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? दुकान बंद करने के लिए बोला था ना। मैं बस जा ही रहा हूँ, वो बुलेट नीचे गिर, बॉटल नीचे गिर गया था तो। तेरी तो डेढ़ साल बता क्या? तेरी तो दिमाग खराब मत कर। ए, कौन है बे? इसका पेशेंट हूँ। पेशेंट आया है क्या? अरे तेरे हॉस्पिटल में पेशेंट भी आने लगे क्या? तेरे हाथ में क्या है? गन। इसको ये भी नहीं मालूम। मॉडल कौन सा है? मॉडल क्यों, ये क्या गाड़ी है? ये गन है, बंदूक। इससे पॉइंट ब्लैंक रेंज में तू चूहा भी नहीं मार सकता। यारे मजाक उड़ा रहा है मेरा। देखो भाई, आप उससे पंगा मत। तेरी तो, तू दुर्गा भाई को ट्यूशन देगा? 1-6 उतार दूंगा। कौन सा मॉडल है सर? 0.9 mm, रशियन मेक, 200 मीटर्स रेंज। सुनो डॉक्टर साहब, जरा पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखना। इसे रशियन समझता था, ये तो चाना निकला। ये लोग क्यों आए थे यहाँ? अब क्या बोलूं, मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स कम और ऐसे क्रिमिनल ज्यादा आते हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में किसी को नहीं पता? मेरा बैड लक, तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पता। थोड़ा दर्द हो रहा है। एक्सपेक्टेड, स्टिचेस खुल गए हैं। सोडा है क्या? ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। एनेस्थीसिया। नाम क्या है तेरा? दास। कंपाउंडर तो नहीं है ना? MBBS, MS यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड बिस्किट देकर कोई भी गोल्ड मेडल खरीद सकता है। गोल्ड मेडल कोई पीस नहीं होता, अचीवमेंट है। खरीद नहीं सकते। उसके लिए सपने देखने पड़ते। सपने देखने का मजा ही कुछ अलग है। सेम फीलिंग। तुम्हें भी सपने आते हैं क्या? इट्स डन, यू कैन गो। देवा, वो टीवी पर मैंने शूट आउट की न्यूज देखी, पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है। तो मेरे बारे में तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि पेशेंट डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, डॉक्टर को उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए ना। ये गोली जो मैंने निकाली थी, तुम रख सकते हो। अच्छा। फिर आऊंगा। फिर आएगा। और कुछ दूं? हाँ, एक किलो टमाटर भी दे दो। बेकार में ही आप मुझे यहाँ लेकर आए, यहाँ का शोर शराबा सुनकर मेरा सिर फटने लगता है। चलिए ना, जल्दी घर चलते हैं। क्या करोगे जल्दी जाकर बताओ? तुम्हारे वो बोरिंग हॉस्पिटल में दीमक और कॉकरोच के अलावा कुछ है? कोई पेशेंट आता भी है क्या? एक आया था। गलती से आया होगा, दोबारा नहीं आएगा, देख लेना। हाँ, वो दूसरी बार भी आया था। माँ भूख लगी है, चलो घर। नहीं पता, चल दिखाते हैं। कौन है? हेलो, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कोई कंफ्यूजन होगा। डॉक्टर का स्टेशन के पास वाला क्लिनिक। गोली से जख्मी होकर एक आदमी तुम्हारे पास आया था, देवा। देवा कौन है? फ्लैट, कार और 10 करोड़ दूंगा। मेरा एक काम कर दे। स्नेक, इसे ले और देवा को मार दे। नो नो। ये चाहिए? ए,
दूसरा गंदे। ए, मुझे नहीं चाहिए। इंजेक्शन बैंडेज और सीजर तक ठीक है, मैं बंदूक नहीं चला सकता। तो तू उसे एनेस्थीसिया दे दे, बाकी मैं संभालूंगा। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो एक डील करते हैं, मैं तुम सबको लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट दूंगा। अबे ढक्कन, हम तुझे पेशेंट लगते हैं? बता, देवा को मारेगा या नहीं? देखिए, मारेगा या नहीं बता। मेरी बात तो और मारेगा या नहीं? तू है मेरी जिंदगी पर, जब भी किसी को बचाने की कोशिश करता हूँ मैं फंस जाता हूँ। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, मार दो मुझे। क्या सही आदमी पकड़ा है भाई, जान से मारने की धमकी थी फिर भी आपको मारने से मना कर दिया। बोलो प्यारा बच्चा है। राजन, तुमने कहा था अजनबी पे भरोसा नहीं करते, तो इसे उड़ा दें। भाई भाई एक मिनट, ये सब क्या है और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? ये तुम्हारी वफादारी का टेस्ट था, तुमने इसमें टॉप किया है। ये पहले से ही टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट भी। मुन्ना गोल्ड मेडलिस्ट है? बार बार गाल खींचना बंद करो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर सही नहीं किया, गलत है ये। तूने कहा था पेशेंट्स नहीं है, उसका इससे क्या लेना देना। हम इसे डॉक्टर बना देंगे। आप बंद करके बना दो भाई। तुम क्या मुझे डॉक्टर बनाओगे, मैं पहले से डॉक्टर हूँ, डॉक्टर दास एमबीबीएस एमएस गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्डी, आज से तू हो गया है एमडी। भाई, भाई भाई भाई, मुझे एमडी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। भाई एमडी मतलब माफिया का डॉक्टर, समझा? हाँ फिर ठीक है। क्या माफिया? हाँ। डॉक्टर सर, अरे भाई तुम लोगों का इलाज मैं नहीं, किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम जैसे राउडी गुंडे और खूनी को। एक्सक्यूज मी, बुलेट से जख्मी होकर कोई आया था, उसका नाम देवा है। देवा कौन? यहाँ कुछ पता नहीं चला सर। चलो आसपास के बाकी हॉस्पिटल्स में चेक करते हैं। ओके सर, लेट्स गो। पुलिस भी यहाँ तक आ गई, मुझे झूठ बोलना पड़ा। हर दिन मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है, सुबह शाम पुलिस वाले और गुंडे आसपास घूमते हैं, कभी तो ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं क्रिमिनल हूं। ए गोल्डी, तू चाहता है यहां कोई ना आए, है ना? चलता हूं। सर प्लीज सर, छोड़ो इसे। सर अगर आप ऐसे अचानक चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैंने आप ही के भरोसे अपनी मशीन भंगर वाले को भेज दिया सर। टेलर से कंपाउंडर बने ना, अब ड्राइवर को डॉक्टर बना लो। सर बाहर पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। कह दो मैं नहीं हूं, मर गया। पूछ लिया कैसे मरा तो क्या बोलूं सर। उस लड़की को अंदर भेजो, मेरा मतलब उस पेशेंट को अंदर भेजो। आपने बोला था कि आप मर गए। मैंने जो कहा वो भूल जाओ। ठीक है, भेजता हूँ। हेलो मैडम, डॉक्टर साहब अंदर है, आपको बुलाया है, जाइए अंदर। हाँ प्लीज जाइए। थैंक यू। डॉक्टर डॉक्टर दास, एमबीबीएस एंड एमएस गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा नाम पूजा है। पूजा। सर प्रॉब्लम ये है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम अच्छा है। सर बात वो है, कॉल मी दास, ओनली दास। पूजा तुमने बुलाया नहीं, मैं बाहर वेट कर रहा था। आप अंदर कैसे आ गए? जैकी चलो, ये मेरे दादाजी है, इनका इलाज करना अच्छा, है। ये दादाजी? जैकी हटो, आइए दादाजी, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से आप भी बैठिए। थैंक यू। जैकी बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा। तो खड़े रहो, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। आप बताइए ना दादाजी। मुझे अस्थमा है, हाई बीपी है, टीबी है, शुगर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कैंसर है। और फिर भी जिंदा हो? हाँ, पोलियो तक है मुझे। दादाजी इस उम्र में पोलियो कैसे होगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये आजकल के डॉक्टर कोई काम के नहीं है। कोई भी मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता, बातें बनाकर ये अच्छा क्लिनिक है बोलकर तो मुझे यहाँ ले आई। चलो चलते हैं। आज क्यों होते दादाजी? बैठिए बैठिए, मुझे यकीन है आप पर। मैं यकीन नहीं करता। तो चुप कर, मैं जाकर मॉर्चरी वालों को इन्फॉर्म करता हूँ। डॉक्टर अब क्या करें? डोंट वरी, दादाजी का ख्याल मैं रखूंगा। एक महीने तक तुम्हें दादाजी को रोज क्लिनिक लेकर आना है, दोनों सेट हो जाएंगे। दोनों कौन है कोई दादाजी? चलो बेटी चलते हैं। थैंक यू सर, बाय। Mm-hmm.
सोडा लेगा या पानी? यहां भी गिरा, उधर भी गिरा। ए, सोडा लेगा या पानी? दास, मामला क्या है? वो आज अंदर से हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है, तो सोच रहा हूं मैं शेयर करूं या ना करूं। अगर खुशी की बात है तो मेरे साथ शेयर करो। अरे क्या कर रहा है, नीट है। उस दिन तुमने भी तो नीट पिया था ना, तो आज मैं क्यों नहीं पी सकता? मैं पीऊंगा, मैं नीट पीऊंगा। हाँ। तुम्हारी तरह नीट पीऊंगा। क्या रे, नीट नहीं था। अरे पिया था। ए, तेरे जैसा ही एक बंदा कजाक। तुम कुछ मत बोलो, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। ठीक है बोल। Only thus will speak. Okay, speak. Today is a very beautiful day in my life, Deva. तुम जानते भी हो प्यार क्या होता है? प्यार? हाँ प्यार। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा पागल? पूरा दिन बस बंदूक से खेलते हो और उसमें गोलियां भरते रहते हो, तुम्हें कैसे पता होगा? लव इज मैजिक देवा। ए, तू लव गुरु को लव का ट्यूशन देगा? तुम और लव गुरु किसी एंगल से नहीं लग रहे। एक बार मैं भी प्यार के नशे में डूबा था। और राजदारों के नशे में। हेलुसिनेशन। ए, तू अब भी अपनी लवर दिखा सकता है? मैं दिखा सकता हूँ। कैसे? टीवी ऑन कर, बुलेटिन टाइम, टीवी 99। Come on, Ravi. Yes, get ready, fast. Come on. नमस्कार, बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। कोइंसिडेंट आईफा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण? जिसकी न्यूज है वो नहीं, जो न्यूज दे रही है वो। दीपिका पादुकोण ने आईफा अवार्ड में राज। इसे तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मतलब पिछले 5 सालों से। इसका नाम है जाह्नवी, साइनिंग ऑफ। हाँ, जाह्नवी है इसका नाम। जाह्नवी नहीं रे, जाह्नवी। तो तुम जाह्नवी से पहले से प्यार करते हो? बताओ ना तुम्हारी स्टोरी, बताओ ना। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। ब्लैक एंड व्हाइट ना? कॉफी भाभी, मेरे अकेले के लिए 2 कॉफी। दूसरी उसके लिए जो कल रात आया। क्या हुआ, कौन है ये? देवा, देवा, डॉक्टर देवाशीष मोहंती, मेरे दोस्त। कल रात तूने बहुत पी। वो काम का स्ट्रेस है ना, तो चाय पीने की बात कर रहे हैं। तूने क्लिनिक को फिर से पेंट करा दिया? देवाशीष मोहंती, ये मेरा घर है और ये मेरी भाभी है। ये सब क्या चल रहा है? कल का हैंगओवर है, मुंह बंद रखो, मैं सब सेट करता हूँ। रावती, मेरे कपड़े कहाँ हैं? दास, कॉफी लो तुम। कौन है ये? ये डॉक्टर देवाशीष है, दास का फ्रेंड। लेकिन तू तो क्लिनिक में अकेले है ना? मेडिमैक्स का डॉक्टर है भैया। अच्छा, मेडिमैक्स का। ग्लैड टू मीट यू डॉक्टर। स्पेशलिटी क्या है? वही जो बता नहीं सकते, समझ जाइए ना। बताओगे नहीं तो समझूंगा कैसे? सेक्सोलॉजिस्ट। मतलब सेक्स डॉक्टर। तो गोली के बच्चे। लेकिन रात 11:30 वाले शो में तुम्हें कभी देखा नहीं। हर दिन टीवी न्यूज में तो रहता है। अब डॉक्टर, हमें अर्जेंटली क्लिनिक जाना है, चलिए। अरे रे, इतनी जल्दी क्या है? मुझे बात क्या बात करनी है? वो हम बड़े लोगों की बातें हैं, तुम सुनोगे तो बिगड़ जाओगे। तुम क्लिनिक जाओ। तुम रुको, मैं अभी इसे पूछता हूं। लेट हो जाएगा। देखो मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम अकेले संभाल लेना। संभालने के लिए ही तो खड़ा हूँ। जाना, जा जा। तुम बैठो, बैठो, आओ बैठो। कॉफी मैं फ्रेश बना दूंगा। बात यह है कि वो मेरा 7 का बेटा है। वेरी हेल्दी बॉय। 3 पहले तक मैंने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। अभी मैं बैटिंग तो करता हूँ, लेकिन पहले बॉल में बोल। टैबलेट ले लो। मुझे पता था एक्सपर्ट्स यही प्रेफर करते हैं। और क्या करूं? योगा। मतलब आसन? कौन सा आसन करूं? शवासन। शवासन? सुवासन। सुवासन? कमला आसन। कमला आसन? क्या बातें चल रही है? सब बता दिया इसने। क्या हुआ? ये बड़े लोगों की बात है, तू नहीं समझेगा, तू बच्चा है। डॉक्टर देवाशीष, चले, बहुत लेट हो गया। अरे त्योहार के दिन इसे भूखा भेजेगा तो ये क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा? वो कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा वो। हाँ जो, अरे चला भी गया। खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, अभी कमला आसन कैसे करते हैं? इडली दीजिए, हमें निकलना है, जल्दी कीजिए।
इडली नहीं है आज, त्योहार है इसीलिए कुछ मीठा, कुछ पकौड़े और लेमन राइस बनाया है। चलो खाओ। जो भी है खाओ कि यहाँ से निकल ले। लेमन राइस पास करना। टेस्टी है, घर का खाना इतना टेस्टी होगा मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी फैमिली? कोई बात नहीं, ये भी तो तुम्हारी ही फैमिली है। लो अचार टेस्ट करो जरा। हाँ। अरे दास, आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद। लगता है जैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम खाना खाया हो। तो फिर ना भी लो, वैसे भी बहुत दिनों से नहाना बाकी है। चलो ना, बहुत देर हो रही है। अरे रे, अरे देवाशीष, तुम्हारा कोर्स साहब, चलो ये जल्दी। तो बताइए कि कमला हासन कौन सा पोज करते हैं। अरे सुनिए, हटो वहां से, हटो वहां से, रास्ता दो। सर सीसीटीवी हैक किया गया था, नो फुटेज। It definitely looks like an attack on Deva. Excuse me. Tum? Restaurant mein ja raha hu. Any problem? No problem. You carry on, please. Just a minute. Aisa lagta hai maine tumhe kahin dekha hai. Kya naam hai tumhara? Deva sir. Sir, pure 15th floor pe Deva aur uska aadmi rehta tha. Koi foreign music band ke naam par unhone room book kiya tha. देवा द म्यूजिशियन। यस सर। सबकी बैंड बजा रहा है, तुम क्या करते हो? आई एम अ डॉक्टर। प्राइवेट प्रैक्टिस है या फिर किसी हॉस्पिटल में? मेडिमैक्स मुंबई ब्रांच, एक छोटे से काम के लिए यहाँ आया हूँ। ऑलराइट, सॉरी, डोंट माइंड मी आस्किंग, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब, कैरी ऑन। सर लगता है डेविड की गैंग ने देवा के आदमियों पर हमला किया था, मगर मरने वालों की लिस्ट में देवा का नाम नहीं है। कुछ तो बात है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यहाँ से जाइएगा, सिक्योरिटी रीजंस। सर कमरे में से 7 मोबाइल और 18 गन्स मिली है। गन? इसे लगाने से ठंडी हवा कान में नहीं जाएगी। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है दादाजी के सामने। ये और कितने दिन के मेहमान हैं? दादाजी को कुछ नहीं हुआ, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, हाइपोकॉन्ड्रियाक है। इसमें ऐसा लगता है कि तुम्हें तरह तरह की बीमारियां हैं। फिर ट्रीटमेंट के लिए 1 महीना क्यों? वो दरअसल दादाजी के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल की घंटी बजने लगी। फोन की घंटी? नहीं, वो अलग ही साउंड था। नहीं, फोन की घंटी बज रही है। हेलो। हे गोल्डी, हमेशा गलत टाइम पर फोन करते हो। कल रात हम कहाँ कहाँ गए थे? मुझे आज सुबह का याद नहीं, कल का क्या बताऊँ। क्या काम है? मेरी गन नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तो नहीं ले लो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। शायद तेरे घर पर भूल गया। मेरे घर? मैं कल शूट करता हूँ, ट्रीट करता हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, कल मिलता हूँ, बाय। आपने मेरा रूम क्लीन किया? खाओगे? आपने 9mm रशियन मेड गोल्ड ब्लैक मेटालिक हाफ केजी वाला कोई मेटल देखा? हाँ, वो मैंने लिया। आपने क्यों लिया? अरे मैंने सोचा कि उसे किस लिए? शूटिंग के लिए। अरे शूटिंग के लिए किसने कहा, शेविंग के लिए। ट्रिमर की बात कर रहे हो ना? ट्रिमर नहीं भैया। ये चुप कर। तुम्हें ये किसने दिया? दादू ने दिया। चिंटू, वो मुझे दे दे बेटा। मैं नहीं दूंगा, मैं शूट करूंगा। ओवर एक्टिंग क्या कर रहा है बेटा, चल अपनी माँ को गोली मार, सुबह से दिमाग खराब कर रही है।
हाँ अपने पापा को मारो, मैं इनसे और इनके मेडिकल शॉप से तंग आ चुकी हूँ। जो कहना है कहो, लेकिन मेडिकल शॉप के बारे में कुछ मत कहना। तो तुमने मेरे बारे में क्यों कहा? तो पड़ोसियों के बारे में बोलूंगा मैं, जाओ अपना काम करो। किसी के भी बारे में बोलूं पर मेरे बारे में नहीं। चाचू कुछ काम करते नहीं हो, बातें बड़ी बड़ी। चाचू हाँ अपने चाचू को शूट करो, मुझे बहुत काम है अभी। चाचू शूट करो। नहीं नहीं बेटा आराम से। नहीं नहीं मैं शूट करूंगा। दे दे मुझे दे। मैं दे दूंगा। शूट करो मुझे दे बेटा। शूट करो बताओ, शूट करो। वन मैन उधर फोर्ट। अगर एक उधम सिंह को मारोगे तो उसकी जगह लाखों उधम सिंह पैदा होंगे और हर उधम सिंह मिलकर तुम्हारे ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश कर देंगे। वो असली गन है। मैं शूट करूंगा। चिंटू बेटा वो गन मुझे दे दो। देखो मैं उधम सिंह नहीं हूँ, मैं तो हॉस्पिटल वाला टेलर हूँ। फिर भी शूट करूंगा। अगर वो गोली किसी को लग जाती ना तो किसी की जान चली जाती। देखो ये आदमी बहुत डेंजरस है, मेरी बात मानो, पुलिस को बता दो। पुलिस को? तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? पता नहीं ये कब और कैसे हो गया, पर हम दोनों दोस्त हैं। जो देवा को नहीं जानते उनके लिए वो बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन मैंने देवा के अंदर का अच्छा इंसान देखा है। मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ यार। मैं अपने दोस्त को बदल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बदलोगे? पर कैसे? गुड इवनिंग, वेलकम टू टीवी न्यूज बुलेटिन। शहर में फिर से शुरू हुआ गैंग वॉर का सिलसिला। एक्सक्यूज मी, मुझे जानवी से मिलना। जानवी सास नंबर वन सीरियल के 3000 एपिसोड्स पूरे होने पर सीरियल के एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर आके अपने फैंस को छैया छैया गाने पर सेल्फी लेने को कहा। ये भी कोई न्यूज़ है? मैडम मैडम ये लाइव शो है। ये कौन है? दिवा की गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। अगर उसे सही रास्ते पर लाना है तो उसे उसके बिछड़े प्यार से मिलाना होगा। इनफ सर, मैं ऐसी घटिया और फालतू न्यूज़ और नहीं पढ़ सकती। पांच साल से बोल रही हूँ कि मुझे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है। दो चांस दिया था तुमको, क्या किया तुमने? बस में जेब कतरों की कहानी और मंदिर में चप्पल चोरों की, क्या कोई सेंसेशन था उसमें? ट्राई फॉर अ सेंसेशनल न्यूज़। ये सब छोड़ो और जाकर अपनी न्यूज़ पढ़ो। आप ही पढ़ लीजिए। मैं न्यूज़ पढूं? जानवी क्या काम करके लाइफ झंड हो गई है, किसी को मेरे काम की कदर ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आई एम डॉक्टर दास, एमबीबीएस एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, एंड ही इज डॉक्टर कुचुपुड़ी, जस्ट साइकियाट्रिस्ट। आई एम जानवी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैं क्या करूं? वो इस तरह से बीच में छोड़ के चले जाना अच्छी बात नहीं है। मेरी नौकरी, मेरी प्रॉब्लम, मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या? नौकरी नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लव मैटर की बात कर रहा हूं। व्हाट? हां मेरा लव मैटर? देखो लाइफ में गलतियां सबसे होती है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, एडजस्टमेंट करना एक आदत होती है, जितना हम करते हैं उतना ही हम उसमें अच्छे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बचपन में तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना किसने सिखाया बताओ? मेरे फ्रेंड ने। उस वक्त फ्रेंड था, बाद में बॉयफ्रेंड बना, उसके बाद लवर, शादी के बाद हस्बैंड, और बच्चे होने के बाद फादर। यार ये तो टू मच हो गया, हाई फाई। देखो तुम दोनों, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं पहले से इरिटेटेड हूँ। नाउ मूव। लगता है गाना गाना पड़ेगा। गाना है? देखा देखा भीड़ में उसको देखा, सोचा पूछूं नाम पता मैं उसका, अब तक मेरे साथ ये नेकी कर और दरिया में डाल, उसकी लव स्टोरी भी झूठी निकली। झूठी जरूर है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जब देवा ने जानवी का नाम लिया तो उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा था, मतलब कहानी आधी सच है। इसे हम दोनों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। ये माफिया है दास, इनसे पंगा मत लो। कुचिपुड़ी सर, पंगा तो ले लिया है, अब क्या करने वाले हो? पिछले कई दिनों से हर टीवी चैनल्स न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही नाम है, देवा देवा देवा। और आखिर में एक सवाल, पुलिस क्या कर रही है? शहर में 8 मर्डर हो चुके हैं मगर हमारे पास कोई क्लू नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग शर्मा? पार्डन मी फॉर सेइंग दिस सर,
जिस आदमी को हम 25 साल से नहीं पकड़ पाए उसे 30 दिन में कैसे पकड़ सकते हैं सर? गिव अस सम मोर टाइम सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, वी विल ग्रैब हिम। जिस स्मार्टनेस से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है उसी स्मार्टनेस से हमें उसे पकड़ना होगा। व्हाट डू यू मीन सर? वी आर रनिंग फ्यू अंडरकवर ऑपरेशंस बट वन वी आर वेरी क्लोज टू। सर दिस इज पूजा, हमारी अंडरकवर ऑफिसर। पूजा सर, सर स्टेशन के पास के एक छोटे से क्लिनिक में देवा का ट्रीटमेंट हुआ, हम वहाँ पेशेंट बनकर गए। हमें लगता है देवा और डॉक्टर के बीच अच्छी दोस्ती है, तो हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। हम देवा को पकड़ लेंगे सर। मेरा बेटा है ये। शाबाश। दास बोल रहा हूं, जानवी से मिलकर आ रहा हूं मैं। जानवी से? तुम्हारे बारे में सुनकर एक्साइटेड हो गई, तुम्हें यहां होना चाहिए था। ए, क्या बक रहा है? और नहीं बकूंगा, अब तुम दोनों बको। कल शाम 5 बजे वाटरफ्रंट कैफे में आ जाना। उसे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो याद से ब्लू शर्ट पहन के आना। ए, ए, गोल्डी। एक तीर दो शिकार, वहाँ देवा जानवी सेट, यहाँ मैं और पूजा सेट, सब कुछ सेट। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। टायर फटा। डेविड, हमें जाना चाहिए। वो मार देंगे। कौन? देवा के आदमी। उसका भी कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार होगा। मुझे वो चाहिए। ए, 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 रास्कल कहाँ? लेकिन सुनो तो, देख रास्कल ये ठीक नहीं कर रहा है तू। ये सब भाई को बोलना, चल। ये वो उस दिन क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने बोल? तू चुप कर रहा है? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों रे, बहुत हंसी आ रही है? कुछ नहीं, ये फॉर्मल गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। ए, जानता हूं तूने क्या किया है। क्या किया? ये पेंटिंग किसकी है? एम एफ हुसैन या रवि वर्मा? मेरा मैनेजर शर्मा। मैडम आपको बुला रही है सर। हाय। हेलो। हाय सर, मैं टीवी रिपोर्टर जानवी हूँ। या आई रिमेम्बर, जानवी। और मैं हूँ विक्रम कुमार।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट? तब वो कल आपने मुझे कॉल किया था ना? मैंने किया था। हेलो, जानवी बोल रही है ना? या दिस इज जानवी हियर, कौन? आई एम फ्रॉम सीबीआई। मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों से, मुझे लोन क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मैडम, मैं एसबीआई से नहीं हूँ, मैं सीबीआई से हूँ। सीबीआई? सॉरी सर, आप? मैं आई एम विक्रम, विक्रम कुमार। मुझे एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए स्मार्ट और इंटेलिजेंट रिपोर्टर की जरूरत है, तो बस उसी बारे में कुछ बात करनी थी। रियली? तो कल शाम 5 बजे वाटरफ्रंट कैफे आ जाओगे तुम? श्योर सर। देखो, मैं ब्लू ड्रेस पहन के आऊंगा, तुम व्हाइट ड्रेस पहन के आना, दिखने में अच्छा लगेगा। क्या हुआ सर, आप टेंशन में लग रहे हो? हमारी ये मीटिंग मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। वन चॉकलेट मिल्कशेक, आप क्या लेंगे? विस्की, रम, कॉफी। ओके सर। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो अभी तक उस राक्षस को फांसी की सजा मिल गई होती। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें जल्दी से उस क्रिमिनल को पकड़ना होगा। एक बात पूछूं, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो उसका नाम क्या है? डर के मारे कांपेगा। और कौन सर? वही खूंखार क्रिमिनल देवा। देवा? देवा? हाँ, आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था। सडनली उसने क्रिमिनल के हीरो का नाम पूछा, मैं क्या करता? अब तू है तो मैंने तेरा नाम बता दिया। तो क्या अब उसके साथ मिलकर मैं अपने आप को ढूंढता रहूं? तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? और तुमने जो अपनी झूठी लव स्टोरी बताई उसका क्या? तेरे चक्कर में मैं उसे मिलने चला गया, पता है? और वहां से थप्पड़ खा के वापस आज के बाद उसे ना मिलूंगा, ना बात करूंगा, ना ही टीवी देखूंगा, फोन भी नहीं उठाऊंगा। हाँ जाह्नवी, हेलो, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ 10 बजे पहुंच जाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, बाय। बात नहीं करूंगा, मिलूंगा नहीं। इट्स वर्किंग। बारिश काफी तेज है। हाँ, मैं चलता हूँ। कैसे जाओगे तुम? रोड पर जाम होगा अभी। इट्स ओके। अंदर आओ, प्लीज कम। बहुत ठंड है ना? नहीं नहीं, ठीक है। ओके, आई विल गो एंड चेंज। प्लीज। कितनी ठंड है। मेरा घर कैसा लगा? बहुत सुंदर, मतलब तुम्हारा घर सुंदर है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो पोछो। या थैंक यू। ऐसे कौन पूछता है? व्हाट? सिट, आई विल डू इट फॉर यू। डोंट वरी, इट्स ओके। तुम्हें कुछ कहना है? खाना बना देती हूँ। मैडम, मैडम, दास को नए नंबर से कॉल आ रहा है, प्ले करो। हेलो, हेलो दास, मैं हूँ। मैं कौन? नाम तो होगा ना? विक्रम जी, पोटैटो फ्राइज। विक्रम कुमार। ओह मिस्टर विक्रम कुमार, क्या हालचाल, बहुत दिनों बाद याद आई। होल्ड करना, पोटैटो फ्राई और दाल चलेगा ना? ओके ओके। वो मिल
मेरे लिए पोटैटो फ्राई और दाल बना रही है। एक काम करो, तुम भी लेमन राइस बना दो। अब जब लड़की सामने से मौका दे रही है तो तुम चौका नहीं मार रहे हो? बी रोमांटिक यार। ए, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। ये लड़की मेरे लिए स्पेशल है, मुझे इसे किस करने का मन कर रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे करूं पता नहीं। तुमने गलत टाइम पे फोन किया, लेकिन सही आदमी को किया है, क्योंकि इस काम में मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। अरे दास, हाँ बोलो। तूने किसी को किस किया है? किस किया है, किस टाइप का किस नहीं किया ये पूछो। पप्पी से शुरू करके स्मूच तक, फ्रेंच, रशियन, इरानियन, मंगोलियन, चाइनीज, जापानीज और पता नहीं कैसे कैसे। ए, ये सब तो फॉरेन स्टाइल है ना, अगर बीच में टोका ना तो मैं फोन काट दूंगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बोल बोल। आ, कुछ दिन पहले ना पूजा मेरे घर आई थी। हम दोनों के बीच खामोशी थी। उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ए, उसके बाद क्या हुआ बता? उसके बाद तो ए, चलो कितनी बार बोलो कि हॉस्पिटल में सोने का नहीं, जल्दी कर वरना तेरे नाप का इंजेक्शन दे दूंगा। जैकी, सॉरी सर। हाँ, तुम्हें कहा था। हाँ, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बालों को सहलाते हुए उसे और करीब ले आया, और उसके बाद उसके होंठों पर। What is this nonsense? Potato, दाल। बस इतना ही? हाँ, अब तुम शुरू हो जाओ। दास, मैं उसे किस करूं? हाँ, किस करो। ठीक है, आज कर ही देता हूँ। अब तुम फोन रखो, मैं करता हूँ। ओके, हाँ करो ना। करता हूँ। फोन काट दिया। हर राजी से प्यार के नशे की लत हो, उसके इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते, खंभे को भी नहीं छोड़ते। अरे जैकी, ऐसी बात नहीं है यार। यहाँ क्या कर रही है? क्यों आए हो? ये हमसे इस तरह के सवाल क्यों कर रही है? रिश्ते की बात के बारे में नहीं बताया? रिश्ते की बात? सोचा सरप्राइज दे दूँ। पूजा, कौन है? डैडी, वो फ्रेंड और उसकी फैमिली। तो तुमने उनको बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? सबको अंदर बुलाओ। हाँ माँ, अंदर आओ। आइए आइए, बैठिए। आप लोग बातें करिए, मैं कॉफी ला। हाँ ठीक है, बैठो। नमस्ते बेटा। जेंटलमैन, इस तरफ। तुम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हो? डिपार्टमेंट? मैं डॉक्टर दास, एमबीबीएस, एमएस गोल्ड मेडलिस्ट। तो मेरी बेटी को कैसे जानते हो? आपकी बेटी अपने दादाजी को लेकर रोज हमारे भाई के क्लिनिक में आती है। दादाजी? वो क्या है डैडी, एक दिन दादा राव को इनके क्लिनिक लेके गई थी ट्रीटमेंट के लिए। ओह, तो कैसे हैं आपके दादाजी? दादाजी नहीं, उसका नाम दादा राव है। अपने पिता को नाम से बुला रहा है, बड़ा बदतमीज आदमी है। उनके घर का प्रॉब्लम है, हमें क्या? हाँ ये भी सही है। पूरा मार्केट ढूंढ लिया मगर खीरा कहीं नहीं मिला। 100 साल जिएंगे आप, आप ही की बात हो रही थी। आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। 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 अजीब है, इसके पैर भी छू रहा है। आप बस आपके बेटे को समझाइए, मेरी और पूजा की शादी करा दे। शादी? यहाँ कुछ काम से आए थे? हाँ, आपकी बेटी ने बताया होगा कि मेरा भाई कितना मासूम है। वो आपकी बेटी से। मैंने सुना है आपके एरिया में खीरा बहुत सस्ता मिलता है ना? तुम चुप रहो, कुछ भी बकवास करते रहते हो। ये आपके पिताजी हैं, आपको इनसे ढंग से बात करनी चाहिए। किसके पिताजी? आपके और किसके? मेरे पिताजी को मरे बरसों हो गए। मेरा भी बेटा मर चुका है,
मैं जा रहा हूँ। दादाजी रुक जाइए, आप चले गए तो मेरी शादी कैसे होगी? बंद करो बकवास, किसकी शादी? वो मेरी यार। मेरा दिल। क्या हुआ? मेरा दिल। लेकिन वो तो उस तरफ होता है। दादाजी बात करते करते टॉक टाइम खत्म हो गया। खत्म हो गया? आई एम सॉरी मैडम। नहीं हुआ। ये तो जिंदा है सर, इससे मेरा कल। दास बेटा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। आपको कुछ नहीं होगा दादाजी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इतने खुशी के मौके पर किसको दौरा पड़ता है? कैसी खुशी बेटा, मुझे लगता है इस मिशन के पूरा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। मिशन? हमारी शादी का मिशन। हमारी? गलती से निकल गया। तुम गए नहीं? ये राइटिंग आपके समझ में आती है? इनका ब्लड सैंपल लो। ये डॉक्टर्स पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन लिखना नहीं सीखते। मार दिया रे। बस दो दिन और संभालो, देवा को हम जरूर पकड़ लेंगे। जब तक तुम देवा को पकड़ोगी मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। हाय देवा। कैसा है गोल्डी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए गोल्डी इधर आ। अरे वहां कोई नहीं है, इधर आ, इधर आना। आ जा आ जा, आ जा। सुन, रात को जानवी और मैं। जानवी नहीं, पूजा है। पूजा नहीं जानवी। अरे पूजा हॉस्पिटल में, ये कह रहा हूँ। पूजा यहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तुम पूजा से क्या बात करोगे, तुमने पी रखी है? रास्ते में आधी पी ली, अब दोनों बैठकर खत्म करेंगे। चल बैठ बैठ। अब मेरी बात सुनो मेरे अच्छे दोस्त, मेरी जान, तुम यहाँ से चले जाओ, पूजा ने देख लिया। छोड़ मुझे, आज हम पिएंगे और बात भी करेंगे, ये फिक्स है। हम कल पिएंगे, जितनी चाहिए उतनी पिएंगे, लेकिन अभी तुम जाओ, प्लीज चले जाओ मेरे भाई। ओके। ग्लास कहाँ है? देवा, देवा, देवा के पास ना जाओ, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। रिलैक्स। क्या कर रहे हो तुम? सुई में तो धागा डाल लेता हूँ लेकिन नस में सुई नहीं डाल पाता हूँ। तुम टेलर हो? कहाँ गई? लो इसे पकड़ो। ये ले पकड़। चल चीयर्स। अब पी लिया, अब जाऊं? पीने से पहले चीयर्स कौन बोलेगा? फिकर नॉट, एक और जाम हो जाए। मैडम 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 मैडम, आपको उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों? वैसे तो दरवाजा 7 बजे बंद हो जाता है लेकिन आज जल्दी शुरू कर दिया। आप दादाजी के पास जाइए। कौन है अंदर? मैडम आपको कब से समझा रहा हूँ सर, आपसे नहीं मिल सकते, जाइए आप यहाँ से। बड़े दिनों के बाद बापूजी के दर्शन हुए। आप सर को मत बताना, डेली सर के कमरे में एक लड़की आती है, सर उसके पीछे पूरी तरह से पागल है और रोज इसी टाइम दरवाजा बंद कर लेते हैं और अंदर से हंसने और बातें करने की आवाज सुनाई देती है। मैडम गोल्डी एक और, मेरी जान एक और, प्लीज 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 गोल्डी। ये भी कोई खाना है? जानवी के हाथ का खाना खाएगा तो अपने घर का खाना भी भूल जाएगा। मनवा उड़ चला है कहीं, दास कोई तो उसे ढूंढ लाओ। ए दास, हवाएं सुनो। दास जब कोई मुझसे डरता है तो अच्छा लगता है, लेकिन तुझसे मिलने के बाद जब कोई नहीं डरता तो अच्छा लगता है। इसकी वजह मैं नहीं हूँ बल्कि जानवी है, इसे प्यार कहते हैं। मगर एक डर भी है। क्या कहा? डर लगता है। सबको डराने वाले देवा को भी डर लगता है। डर सिर्फ गन की एक तरफ नहीं होता देवा, और लोग कभी मौत से नहीं डरते, वो तो इस बात से डरते हैं कि वो अपने चाहने वालों से दूर हो जाएंगे। तू बदल जाना देवा, बिना दारू के सुकून की नींद आएगी। अच्छी जिंदगी के लिए तुम्हें पैसे और पावर की नहीं बल्कि खुशी और प्यार की ही जरूरत है, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये बात अगर किसी ने 20 साल पहले कही होती तो अच्छा होता,
लेट हो गया, चलता हूं। अगर उसे सच का पता चल गया तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे क्यों चली जाएगी, मैं कभी तुम्हें छोड़ के गया क्या? वैसे भी झूठ के सहारे कब तक जियोगे? एक ना एक दिन तो जानवी के सामने सच आ ही जाएगा ना। सच बोल दो दिमा। तू मुझे यहां क्यों लाए? और कितने दिन बिल में छुपे रहोगे? बाहर निकला तो मार देंगे। त्याओ को पता चल गया है कि डैड को मारने में मेरा भी हाथ था। मैं शहर में हूं, अगर उसे पता चल गया तो मुझे मार देगा। वही तो मैं चाहता हूं। क्यों मुझे मार दे? वो बाहर निकले इसी प्लान के कारण, मरते मरते बचाऊं। उस दिन वो आएगा मुझे पता नहीं था, मगर अभी आएगा। रोज बुजदिलों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन हिम्मत करके उसके सामने जाए। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम संभालोगे? उस दिन उसने तुम्हारे भाई को मार दिया, क्या क्या तुमने? जैसा बोलता हूँ वैसा कर, नहीं तो देवा से पहले मैं तुझे मार दूंगा। ओके, समझा क्या? सिर बहुत घूम रहा है जैकी, जरा एक ग्लास नींबू पानी देना। सर आपको ये नाइट वाला प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मैंने तुझसे क्या कहा, जाके नींबू पानी ला। मिस्टर दास, अब आएगा तूफान। मिस्टर दास, पूजा जरा मेरा सिर दबा दो यार। दादाजी का बिल कितना हुआ है बताओ, पेमेंट करके चले जाएंगे। मैंने तुमसे कब बिल मांगा? तुम्हारे दादाजी मेरे दादाजी नहीं है क्या? रिलेशंस अपनी जगह, बी प्रोफेशनल। बिल कितना हुआ है? समझ गया, कल बिना बताए चले गया इसलिए गुस्सा हूँ। सॉरी पूजा। झूठ मत बोलो। रात को कोई यहाँ आया था, तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा भी और कोई है, इसलिए तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। सुना है 8 बजे दरवाजा बंद कर लेते हो, क्या ये सच है? अच्छा, और हर रोज वही लड़की या नई लड़की? तुम इसकी बातों पर विश्वास कर रही हो? तुम मुझे नहीं जानती क्या? एक सवाल पूछूं, सीधा जवाब दे पाओगे? हाँ पूछो। कल रात किसके साथ थे? भूल गया। पूजा, 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 रुक जा, मेरी बात सुनो। कल मैं किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि एक लड़के के साथ था, सच कह रहा हूँ मैं। कौन है? सीक्रेट फ्रेंड है। वही कौन है? पूजा, बोल रहा हूँ ना, सीक्रेट फ्रेंड है, समझते क्यों नहीं? हमारा कुछ नहीं हो सकता, अपना सीक्रेट अपने पास रखो। अच्छा, मैं उसे तुमसे मिलवाता हूँ। अवासा होटल, 8 PM, वहाँ पहुँचकर कॉल करो। ए, रुक, मेरा फोन। चल निकल। ए, जाके इधर। सर मम्मी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने मैडम को कुछ नहीं बताया। मेरा फोन अंदर रह गया, तेरा फोन दे, जल्दी दे। ये लीजिए सर। स्विच ऑफ। जानवी, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारी पैंट सी देता। हेलो हेलो जानवी जी, सुनिए ना, मैं अंडरकवर कांस्टेबल कांतरा बोल रहा हूँ, विक्रम सर आपके साथ है। हाँ? कांस्टेबल कब से अंडरकवर होने लगे? हेलो हेलो देवा, मैं कांतरा, मैं दास बोल रहा हूँ। अरे जानवी के साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ। आइसक्रीम खा रहे हो? तुम्हारी लव स्टोरी कूल है, यहाँ पर आग लगी हुई है। कांतराव क्या हुआ? क्या हुआ क्या? पूजा को लगता है मैं हर रात किसी लड़की से मिलता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे मिलते हो, इसलिए तो तुमसे मिलवाना है। कहीं तुमने देवा तो नहीं कहा? नहीं, मैंने कहा है फ्रेंड। देवा क्यों? मेरा मतलब देवा का फ्रेंड पकड़ लिया। देवा का फ्रेंड तो मैं हूँ, जानवी से बात कर रहा हूँ। इडियट। क्या वो? कांताराव से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अब बोल। अगर आज तुम उसे नहीं मिले तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तुम आओगे कि नहीं? नहीं, मैं जानवी को सच बोल दूंगा। आऊंगा, पर कहाँ? अवासा होटल, रात 8 बजे। ओके मिलते हैं। ओके सी यू। मैंने जानवी का नाम नहीं सुना, जानवी का नाम नहीं सुना मैंने सर, नहीं जानता हूं मैं जानवी को। Yes, sir. He's on the way. That's good. उसके आते ही सारी एंट्री और एग्जिट बंद कर देंगे। तुम दास को कवर करना, आई विल हैंडल देवा। Okay, sir.
गाड़ी तेज चला, लेट हो रहा है। अजय, डेविड, तुम्हें पता है कि वो कैसा दिखता है और हमारे आदमी भी वहां है। यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्रू, दैट्स इट। कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। अजय, हमारे आदमी उसको ठोक देंगे, टेंशन मत ले, जस्ट वेट। ए, कहां जा रहे हैं? परमिशन लिया क्या तुमने? वॉशरूम के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? हट। हे, चल। अरे मेरी मीटिंग है। हेलो, सुनो। अरे अरे भाई, मेरी बात तो सुनिए। आप सीट बेल्ट तो बांधिए। सर सर, साइड में गाड़ी रोकिए, मैं उतर जाऊंगा। वो बंद कर। सर सर सर, आगे देखिए। पीछे कोई पीछा कर रहा है। गाड़ी धीरे चलाइए सर, प्लीज गाड़ी धीरे चलाइए। हम आगे देखिए क्या कर रहे हो। I'm a doctor. Doctor, I'll take care. लगता है कोई आ रहा है। Help! Help! Please, help! कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। It's okay. It's okay. Just pull down. Come fast, please. It's okay. Just pull down. It's okay. It's okay. देवा, मेरे देवा, तुम जल्दी आओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल गाड़ी में बैठ। मार दिया तुमने, मार दिया। ए, ये सब तुझे नहीं समझेगा, चल गाड़ी में बैठ। मार दिया तुमने। वो मुझे बचाने के लिए कह रहा था और तुमने एक सेकंड में उसे गोली मार दी। क्यों मारा तुमने? ए, तूने सबको जिंदा रखने का ठेका नहीं ले रखा, इसे जीने का कोई हक नहीं था। तो क्या तुम्हें हक है? है हक तुम्हें? कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला तुम करोगे? भगवान हो तुम। 3 महीने पहले मैं भी तुम्हारे साथ यही कर सकता था। ए, इसमें और मुझमें फर्क है।
ए दोस्त। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मार देते ना, बस इतना ही। और तुम कर भी क्या सकते हो, जान लेने वाले में इतना गुरूर है तो जान बचाने वाले में कितना होगा। ए, मैं जंगल में खड़ा हूँ, आसपास कई जानवर होते हैं, शेर को रोज कितने जानवरों को मारना पड़ता है पता है? मैं मारूंगा, मारता रहूंगा, डर कर नहीं जी सकता ये शेर। डर क्या है ये तुम्हें नहीं पता? अरे हर रोज तुम डर में जीते हो, किसी को तुम्हारी असलियत का पता न चल जाए इस डर में कौन जीता है तुम। और ऊपर से इसे ताकत और बहादुरी कहते हो, क्या इसे जिंदा कर पाओगे, दे पाओगे जिंदगी? दास, ये मत भूल कि तू देवा से बात कर रहा है। देवा? देवा हो ना, मेरा नाम डॉक्टर दास एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, लाखों को अपना नाम बता सकता हूँ, तुम किसी एक को अपना नाम बताकर बताओ। अरे औरों को छोड़ो, जिससे प्यार करते हो उसे तक अपना नाम नहीं बता सकते तुम। अरे गोलियों से लोगों को मारने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, लोगों को बचाने के लिए चाहिए, सच बोलने के लिए है हिम्मत तुम्हें। आज के बाद तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझसे मिलने आया तो कसम खाता हूँ मर जाऊंगा। मारते हो सबको, वैसे भी जिंदगी और मौत की दोस्ती कैसी, वो कभी नहीं मिलते। सोचा था एक दिन बदल जाओगे, छोटी सी उम्मीद थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन आज मैं कहता हूं तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, कोई तुम्हें भी इस तरह मार देगा। और जब मरोगे ना तो तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा देवा। डॉक्टर साहब चोट लगी है, मैं बच गया वरना वो लोग मुझे ठोक देते। निकल यहां से। सर, निकल। अरे अरे अरे, इन्हें ऐसे क्यों भगा रहा है तू? पेशेंट्स हैं। पेशेंट नहीं, राक्षस है। मैं इन सबको ठीक करता हूँ और ये बाहर जाकर और 10 को मारते हैं। इससे तो अच्छा होता कि मैं चुपचाप उस मॉर्चरी वार्ड में ही काम करता। बात क्या करना चाहते हो? उस दिन आपकी परमिशन नहीं ली ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी सर। जनरल वार्ड, मॉर्चरी, बर्न्स डिवीजन, कुछ भी चलेगा सर। तो पिछले 3 महीने से क्या कर रहे थे? सर मेरे एरिया में एक क्लिनिक है, मैंने वहीं काम किया। तुम्हारा एरिया यानी वो स्लम्स? हाँ, नो, लेट मी पुट इट स्ट्रेट डॉक्टर दास, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सर्विस से ज्यादा ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें वापस रख लिया तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आई कैन टेक यू बैक। सर उस दिन क्या हुआ था मैं एक्सप्लेन कर सकता? यू कैन लीव द प्लेस। सर, चेयरमैन सर आपको बुला रहे हैं सर। चेयरमैन कहाँ? ऑफिस में वेट कर रहे हैं सर। एक्सक्यूज मी सर, कम इन। सर आपने मुझे 40 साल पहले ऐसा ही था सर। मतलब जैसे तुम आज हो 40 साल पहले मैं वैसे ही था। डॉक्टर सीतारामैया, MBBS, MS, गोल्ड मेडलिस्ट। कम, हैव अ सीट, कम। दास, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये कैंसर या अल्सर ये सब कुछ नहीं है, ईगो है। डॉक्टर भरद्वाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। स्टिल ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड ही इज अ चीफ ऑफ अ डिपार्टमेंट। अगर तुम अपनी नौकरी वापस पाना चाहते हो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अगले हफ्ते हमारे हॉस्पिटल को पूरे 25 साल हो जाएंगे, सिल्वर जुबली, इसीलिए मैंने एक ऑर्गन डोनेशन कैंप रखा है। हर साल लाखों लोगों की मौत उन्हें सही वक्त पर ऑर्गन न मिलने से हो जाती है। हर बार बोर्ड मीटिंग में मैं ये प्रपोजल रखता हूँ मगर सब मना कर देते हैं, कहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप लगा लो, इससे हॉस्पिटल को फ्री में पब्लिसिटी तो मिल जाएगी। मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं करूँगा सर, और ये सब मैं मेरी उस नौकरी को पाने के लिए नहीं करूँगा सर। मैं जानता हूँ कि इससे लोगों की जान बचती है, इसलिए करूँगा। इस प्रोजेक्ट का पहला डोनर कौन है जानते हो? कौन सर? मेरा ड्राइवर राजू। नमस्ते सर। थैंक यू। आई डू इट सर। बेटा ये केक अंकल को जाके दे दो। जाओ।
अंकल। हे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हे कौस्तुभ बेटा नाम नहीं पूछते। मेरा नाम है देवा। आप ही देवा हो? हाँ। मेरे पापा से सब डरते हैं, मगर मेरे पापा आपसे डरते हैं। आप किसी को भी डरा सकते हो? हाँ डरा सकता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस किसको डराना है ये बताओ। मेरे शरीर में एक राक्षस है, वो मेरे अंदर छुपा है। पापा भी उससे डरते हैं। मेरे बाल भी काट दिए। आपकी खांसी में खून आता है? मेरी खांसी में आता है, दर्द होता है। राक्षसी कर रहा है ये सब। स्कूल नहीं, खेलना भी नहीं। आप उस राक्षस को डराएंगे? क्या है ये? वो कुछ नहीं भाई। क्या हुआ है इसे? प्रॉब्लम क्या है? एक महीना पहले पता चला भाई। जब से पैदा हुआ है इसके व्हाइट ब्लड सेल का लेवल ज्यादा है। वो लुकीमिया राजन ब्लड कैंसर है। कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी सब ट्राई किया मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया अब तक? कोई और प्रॉब्लम होती तो बता देता भाई, मगर इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसलिए क्या बोलूं भाई। जाने दीजिए भाई, जब तक ये हमारे साथ है बस खुश रहे, इसलिए ये बर्थडे ऑर्गेनाइज किया है। आप उसे डराओगे ना? प्रॉमिस? देवा, राजन ब्रिंग द बेस्ट डॉक्टर्स। तुम उन्हें डराओ धमकाओ कैसे भी लेकर आओ, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। दर्द ये जो ये लीजिए फॉर्म्स। नहीं नहीं और फॉर्म्स चाहिए। ओह सॉरी ज्यादा, जितने हो सके ज्यादा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम सॉरी। तो बताओ क्या स्टेटस है डॉक्टर सेन? हाँ मक्खी मार रहे हैं और क्या। चेयरमैन साहब को भी सोच समझ कर काम देना चाहिए। क्या सर, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अनुषा लंच टाइम हो गया, चलो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कितने आए हैं? अभी तक 6 आए हैं डॉक्टर। ऐसे बात नहीं होगी। डॉक्टर दास कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए तो। सुनिए। यस। ऑर्गन डोनेशन कैंप है। नॉट इंटरेस्टेड। माफ करना, चिंटू को स्कूल से लाना था इसीलिए लेट हो गया। अगर परिवार साथ ना दे तो परिवार किस काम का? और मेरा फॉर्म कहाँ है? और मेरी पेन पेन पेन। तेरा भी फॉर्म भर दे इधर। दास सुन ना। सुबह से काफी टाइम दे दिया सर। स्टॉल खाली करवाओ। ठीक है सर। ये ड्रॉप डाउन हटाओ और यहाँ एलईडी स्क्रीन लगाओ। यस सर। और वो खाली जगह देख रहे हो ना? ओके। और वहाँ पे जितनी भी कुर्सियां हैं वो सारी लगा दो। एक्सक्यूज मी। ओके सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? वी हैव अ सेमिनार टू कंडक्ट सो यू नीड टू वेकेट। पर हमें 8 बजे तक का टाइम दिया गया है। कोई बात नहीं, इस रास्ते से वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं तो जगह क्लियर कर दो। ठीक है हो जाएगा सर। ए, रुक रुक कहाँ जा रहे हैं? मुझे ये बोला ना रुकने के लिए। अरे आगे जा रहे हो। यहाँ पे दास कौन है जी? ये लो ये पकड़ो। ए भाई क्या है ये? दास संभल कर, कुछ भी हो सकता है इसमें। सर ये तो 10,000 एप्लीकेशन होंगे सर। हेलो डॉक्टर साहब, फॉर्म मिल गया ना तुम्हें? हम मर सकते
मार सकते हैं, मगर तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं ले सकते। वैसे भी हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं है, तुम्हें ऑर्गन्स मिलते रहेंगे। अंधेरों से क्यों ये दोस्ती है, अंधेरों से धोखा खा के चल रहे हम। हंसता है वो, खिलता चमन, सिखला गया क्या खामोशी ने कह दिया, क्या जीवन ने सुन लिया। सर, डॉक्टर दास का कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा, 10,000 एप्लीकेशन आए। मुझे यकीन था दास कर दिखाएगा। डॉक्टर, क्या हुआ? ऑपरेशन हुए 3 घंटे हो गए हैं सर, 8 लोगों की एक्सपर्ट टीम ने ऑपरेशन किया है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड सेंसिटिव केस सर, शरीर नाजुक होने की वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम काफी वीक है। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। क्या मतलब है आपका डॉक्टर? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, कुछ कीजिए। सही कहा आपने, लेकिन कुछ केसेस में मुझे कुछ नहीं सुनना, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें ना आपके बस में होती है ना हमारे बस में, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइफ देवा के बारे में बताना है। ओके। व्हाट द हेल इज हैपनिंग पूजा? लेट्स स्टॉप दिस अंडरकवर नॉनसेंस नाउ। आई वांट दैट दास। जाओ दास को अरेस्ट करो राइट नाउ। वो देवा के बारे में कुछ नहीं बताएगा, मैं दास को अच्छी तरह जानती हूँ। अनु, मैं जानता हूँ कि तुम दास को अच्छी तरह जानती हो। सर, आई वांट दैट दास। 10 मिनट्स इज ऑल व्हाट यू हैव पूजा, इट्स एन ऑर्डर। ये पूजा कहाँ रह गई? कहाँ है वो? यहाँ तो नहीं है। उसने कहा था बाहर वेट करेगा। इस बार हाथ सामने की तरफ क्यों बांधे? लास्ट टाइम पीछे बांधे थे। तुम लोग नहीं बदलोगे, कभी नहीं बदलोगे। पहली बार किडनैप करते हो तो डर लगता है, दूसरी बार में गुस्सा आता है, कितनी बार सेम ड्रामा करोगे? मैं जानता हूं कि तुम दरवाजे के पीछे छुपे हो, चलो बाहर आ जाओ। हेलो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैंने देवा को बुलाया, ये कौन है? डेविड। डेविड, ड्रामा का नया कैरेक्टर। देवा कहां है? ये डॉक्टर दास है ना? Yes, I am Dr. Das, MBBS, MS Gold Medalist. Station के पास मेरा क्लिनिक है और Medimax Hospital में मैं काम करता हूँ। अब तुम कहोगे घर गाड़ी और 10 करोड़ कैश देता हूँ, तुम देवा को मार दो, यही कहोगे ना? ज्यादा बोल रहा है। देवा कहाँ है? डेविड, देवा यहाँ नहीं, टीवी पर है। Very good morning everyone. Welcome to our live show. किसी को नहीं पता वो रहता कहाँ है, कैसा दिखता है, मगर फिर भी पूरे देश में उसके नाम की दहशत है। हम बात कर रहे हैं इंडिया मोस्ट वॉन्टेड माफिया डॉन देवा की। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है सीबीआई ऑफिसर विक्रम कुमार, जिनके पास देवा के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोग नहीं जानते। विक्रम कुमार, वेलकम टू द शो, बताइए। थैंक यू। पहले कभी इतने लोगों के सामने बात नहीं की, कभी लाइव टीवी पर नहीं आया। आज सबको सच बता पाऊंगा या नहीं, पता नहीं। विक्रम जी, कोई जल्दी नहीं है, बी कंफर्टेबल। मेरा नाम विक्रम कुमार नहीं है, ना ही मैं सीबीआई ऑफिसर हूं। मैं यहां देवा के बारे में बताने भी नहीं आया, मैं ही देवा हूं। क्या सर, ये कोई प्रैंक शो नहीं है, लाइव शो है, लाखों लोग देख रहे हैं, सोच समझ कर बात कीजिए। विक्रम, मजाक मत करो, इट्स लाइफ। विक्रम कुमार एक झूठ है, ढोंग है, देवा ही सच है। आज तक देवा एक अहंकार में जी रहा था, पैसा और पावर ही उसके लिए सब कुछ था, पर एक 4 साल के बच्चे ने मेरी आंखों में देखकर पूछा, अंकल आप मौत को डरा सकते हो? क्या ये पैसा और पावर मौत को डरा सकता है, उसकी जिंदगी लौटा सकता है? ए गोल्डी, तू जीत गया यार,
दूसरों को डराकर जीने से अच्छा है सबके साथ मिलकर खुशी और इज्जत से जीना। लोगों को मारने से अच्छा है किसी एक को जिंदगी देना, उसमें खुशी मिलती है। तूने पूछा था ना, क्या मैं किसी एक को भी अपना नाम बता सकता हूं? देख ले मेरे दोस्त, पूरी दुनिया को अपना नाम बता रहा हूं। दास अचानक मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। जब मेरी आंखों में देखकर बातें करता था, एक मासूम बच्चे जैसा लगता था, और उसने मुझे भी बच्चा बना दिया। मुझे कोई हरा नहीं पाया, पर उसकी मासूमियत ने जीत लिया, अपनी अच्छाई से मुझे बदल दिया। आज उसी की वजह से मैं यहां बैठकर सच्चाई बोलने की हिम्मत जुटा पाया हूं। डॉक्टर दास MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, वो एक सच्चा हीरो है, मेरा दोस्त गोल्डी। भाई जरा अपना फोन देना। देवा, मैं दास बोल रहा हूं। मैं अभी देवा, डेविड, तू इतनी आसानी से सरेंडर नहीं कर सकता। तेरा गोल्डी मेरे पास है, जल्दी आ। ओ भाई साहब, तुम सचमुच देवा के आदमी नहीं हो। Not now. Later. Later. Deva kahan hai? Tum uska interview le rahi thi na abhi. Kahan hai Deva? Hame andar aane dijiye sir. Hame andar aane dijiye. Kya Deva tumhare liye aayega? Anxiety ke liye 500 mg Celexa tablet hai. Use kar lo. वेलकम देवा, वेलकम। फाइनली सरेंडर करने से पहले मेरा हिसाब तो पूरा करता। वही करने तो आया हूं। खोल दे इसे। खोलो इसे। तूने मेरे भाई को मारा, मेरा बिजनेस तबाह किया। तुझे इतनी आसानी से मार कर ना मुझे चैन मिलेगा और नाम पतला पूरा होगा। हे डेविड, मैं भी तेरी तरह ही था, मारना बदला लेना यही सब करता था, पर यह सब बेकार है। मैं बदल चुका हूं, खाली है। तू भी बदल जा। इतनी आसानी से बदल जाऊं? मैं देवा नहीं, डेविड हूं। देवा नाम का हैंगओवर मुझे भी था, लेकिन अब उतर गया है, उतार दिया गया है। वैसे भी तूने इसे किडनैप कर ही लिया है। 4 दिन इसके साथ बिता, डेविड नाम का हैंगओवर भी उतर जाएगा। देर कर दी तूने। रविंदर, शूट हिम। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। आखिर क्या सोचा था तुमने, ये खेल इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? खेल तो अब शुरू होगा। फायर! जा? नहीं इंस्पेक्टर पूजा, पुलिस वाली। यस, प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया,
ड्यूटी की है, मगर मेरा प्यार सच्चा है। पहली बार किसी से दोस्ती की तो वो डॉन निकला, पहली बार प्यार किया तो पुलिस वाली निकली। अरे मैं डॉक्टर हूँ यार, मुझे क्यों गोली मार रहे हो? दास, फिर से गोली लग गई दोस्त। दीवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीवा, vitals are coming down. I think survival is very difficult. पहली बार जब गोली लगी थी तुम्हें तो मैं डर गया था, लेकिन आज आंसू बह रहे। मैंने तुम्हें बदलने के लिए कहा था, तुमने तो मुझे ही बदल दिया। आज जो तुमने किया वो गलत है। इस तरह मरना मारने से ज्यादा गलत होता है। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तो जो मेरा दोस्त है। तुमने कहा था मुझे जीना नहीं आता, लेकिन मुझे जीना भी तो तुमने ही सिखाया था। देवा, तुम्हारे आने से पहले मुझे क्या पता था 60 ml के पैक में कितना सोडा मिलाते हैं, ये भी नहीं पता था। पिस्टल और रिवॉल्वर अलग होते हैं, एक में 6 गोलियां और एक में 9 गोलियां होती है। देवा, देवा, देवा। गुल्डे, तुमने मुझे एनेस्थीसिया दिया था ना? कुछ मत बोलो देवा।
जिसने कहा था कि मुझे बदतर मौत मिलेगी, मेरे पास बैठकर रोने वाला कोई नहीं होगा, आज वही मेरे लिए आंसू बहा रहा है। ऐसा मत बोलो दीवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ए, आज तुम्हारे साथ आखिरी बार एक पैग पीने का मन कर रहा है। आखिरी बार क्यों? अभी तो हमें काफी वक्त साथ में गुजारना है, घूमेंगे पिएंगे, तुम्हारी फेवरेट फिश फ्राई भी खाएंगे। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। तुमने कहा था बदलने के बाद जिंदगी अच्छी लगेगी, अब तो मौत भी अच्छी लग रही है। कल पुलिस और माफिया के बीच हुए शूटआउट में देवा घायल हुआ था, मगर आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है। इसी के साथ ऑपरेशन देवा समाप्त हुआ। मनवा उड़ चला है कहीं, कोई तो ढूंढ लाओ उसे। बहती हवाएं सुनो, काली घटाएं सुनो, घटाओं से कहो हम हैं यही। हाँ यही हम हैं यही। ऑपरेशन मैंने किया था दीवा, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। मैं बाहर सब सेट करके आता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर कुचिपुड़ी। सब तीन गोली में से एक गोली दिल में लगने की वजह से लेफ्ट हार्ट एट्रियम इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। राइट हार्ट एट्रियम डैमेज होने की वजह से ऑपरेशन के कुछ समय के बाद देवा की मौत हो गई और उसकी बॉडी को मॉर्चरी में भेज दिया गया। मॉर्चरी रेडी, बॉडी रेडी, और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर मूर्ति भी रेडी। आर यू रेडी? नीचे पुलिस है क्या? ऊपर से नीचे तक पुलिस है। तो फिर लिखो इमीडिएट प्रोसीजर। साइन तो मेरी चाहिए। ही इज द वन बिहाइंड ऑर्गन डोनेशन, है ना? फेयर कर दो उसे, साइन कर दूंगा। टेक हिम। डॉक्टर दास MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट। प्रोफेशन में पहली बार तुमने झूठ बोला। वो झूठ नहीं था, पुराना देवा मर चुका है, अब जो है वो तो अच्छा इंसान है। अगर कोई इंसानियत को जिंदा करने वाला डॉक्टर होता तो कितना अच्छा होता, तुम्हारे जैसा। अब कहा? जहां तुम कहो गोल्डी, पूरी दुनिया हमारी है। हेलो इंस्पेक्टर पूजा, रोमांटिक बनो यार, इधर आओ।